बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में मैं ये बताऊंगा कि चार माह की गंदम जो है उसके लिए क्या ज़रूरी बातें कौन सी हम पेश नज़र रखें। देखिए, हमारी बेशतर गंदम जो है ना वो 110 दिन से बड़ी हो चुकी है, 20 दिन की भी है, 130 दिन की भी हो चुकी है। जब चार माह की हो जाती है गंदम तो उसका दाना तो मुकम्मल हो जाता है, लेकिन शुमाली पंजाब के सिवा बाकी सेंट्रल पंजाब और जनूबी पंजाब में जो है ना वो दाना मुकम्मल हो चुका है। तो इसमें सूरत हाल यह है कि पहले नंबर पर जो है हम क्या कर सकते हैं कि अल्लाह पाक से दुआ कर सकते हैं कि हमारी फसल का जो काफ़िला हम लेके जा रहे हैं इसको खैर व आफियत के साथ हमारे नसीब में हो जाए। ये सबसे ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि आज की वीडियो में 50% मैंने यही रिक्वेस्ट करनी थी कि दुआ की जाए कि मौसम इस तरह हमारे लिए ग्रेजुअली टेम्परेचर बढ़े कि गंदम को किसी किस्म का नुकसान ना हो। दूसरे नंबर पर एक तदबीर हम ये करें कि जब टेम्परेचर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ना है तो ये पानी का इस्तेमाल जो है ना साफ सारे टेम्परेचर को डाउन करने के लिए, हमें माइक्रो क्लाइमेट को चेंज करने के लिए वो पानी का इस्तेमाल जो है ना वो ज़्यादा करना पड़ता है। तो आपाशी का इंतज़ाम करना है तो इसका इस बढ़ते हुए टेम्परेचर का जो है ना जो जबकि 120 दिन की गंदम हो गई है इसके ऊपर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो जाना अगले दिनों में तो उसका ये फ़ायदा होगा कि तेला और कुंगी का जो है ना वो ख़तरा टल जाएगा। किसी किस्म की स्प्रे का इरादा हो तो वो इरादा मुलतवी कर दें अगले साल के लिए, वो इरादा मुलतवी कर दें। हाँ, दरिया के साथ वाले बिल्कुल जो ठंडे इलाके हैं ना जो पैदावारी मुकाबला में हिस्सा ले रहे हैं बहुत भारी गंदम है, जिन्होंने 2-3 बोरी DAP इस्तेमाल की हुई है, यूरिया भी इस्तेमाल की है, उन लोगों के ऊपर लाजम है कि वो तेले के लिए भी स्प्रे करें और कुंगी के लिए भी वो अपना स्प्रे का इंतज़ाम करें।